हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमारा आज का टॉपिक है ड्राइंग डिटेल ऑफ सिंपल मैटिंग पार्ट्स, है ना? ठीक है। सामान्य संयुग्मित ब्लॉकों के आरेख का विवरण, है ना? ठीक है। अब क्या इसमें क्या है, हम जो जॉइंट होने हैं, है ना, जो जो जॉइंट होते हैं दो दो पार्ट्स के बीच, जो भी जॉइंट होते हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या है, पहला जॉइंट है लैप जॉइंट, है ना। लैप जॉइंट क्या होता है, लैप जॉइंट में दो जोड़े जाने वाले भाग एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, चढ़े होते हैं, ना एक दूसरे के ऊपर वो कॉन्साइड करते हैं, ना। ठीक है। लैप जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, मेनली दरवाजे, खिड़की, चौखट, ये सब बनाने में लैप जॉइंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लैप जॉइंट के क्या क्या टाइप्स हैं, एंड टाइप लैप एंड लैप जॉइंट, क्रॉस लैप जॉइंट, टी लैप जॉइंट, बेवल लैप जॉइंट, रिबेट लैप जॉइंट, है ना। ठीक है। डॉटेल लैप जॉइंट, ठीक है, इतने टाइप्स के लैप जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अब पहला जॉइंट, ठीक, एंड लैप जॉइंट। एंड लैप जॉइंट क्या होता है, इस जोड़ के अर्ध जोड़ को भी कहा जाता है ना, इस जोड़ को अर्ध जोड़ भी कहा जाता है। मतलब क्या होता है, दो जो जुड़ते हैं, दो पार्ट, है ना, वो आधे आधे कटे भाग में होते हैं। देख लीजिए, आपके फिगर में दिख रहा है ना, पहले वाले को भी आधा कटा हुआ है, दूसरा का इस साइड भी, दूसरे में भी ये साइड कटा हुआ है, पहले में भी वही साइड। ठीक है। दोनों आपस में मिलके एक परफेक्ट जॉइंट एल जॉइंट बनाएंगे, है ना। ठीक है, दिख रहा है, लकड़ी के दोनों ब्लॉक के एक सिरे की मोटाई आधी आधी कर दी गई है। ठीक है। और उसको एक दूसरे को एल टाइप से जोड़ा गया, एक दूसरे में ओवरलैप करके। पहले ही भी बोला गया लैप जॉइंट क्या होता है, एक दूसरे पे चढ़े हुए होते, ओवरलैप होते, एक दूसरे पे ओवरलैप है, दिख रहा है फिगर में, है ना। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा टाइप का जॉइंट है क्रॉस लैप जॉइंट, है ना। क्रॉस लैप जॉइंट क्या होता है, ये इस क्रॉस लैप जॉइंट में लकड़ी के ब्लॉक के मध्य, है ना, बीच में काटा जाता है, बीच में आधा आधा हिस्सा काटा जाता है, दो दो जिसके दोनों किनारे एक दूसरे को क्या करे, ओवरलैप करे, है ना, ये क्रॉस करके ओवरलैप करे। कैसा होता है क्रॉस जॉइंट, ये देखिए। ठीक है। इसके सेंटर भाग को आधा काट दिया गया, दूसरे के भी सेंटर भाग को आधा काट दिया गया और दोनों को क्रॉस कराया गया, है ना। ठीक है। ओवरलैप हुआ है। ठीक। ये इसका क्या करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इस जोड़ का प्रयोग दरवाजे के फ्रेम बनाने में किया जाता है, है ना। ठीक है। इसके बाद है टी टाइप लैप जॉइंट। टी टाइप लैप जॉइंट में क्या हो रहा है, ये भी सेम वैसी जुड़ा हुआ है, है ना, लेकिन इसके एक वाले एक हिस्से को सेंटर में काटा गया, दूसरे को एक साइड से काटा गया है। ठीक है। यह एंड टाइप लैप जॉइंट और कास्ट टाइप क्रॉस टाइप दोनों का मिला जुड़ा है। ठीक है। क्रॉस टाइप में क्या हुआ था, सेंटर में काटते थे और एंड टाइप में लास्ट में काटते थे, दोनों का मिला जुला जो जोड़ है वो हमारा कैंसर जॉइंट है, टी लैप जॉइंट है। ठीक है। दिख रहा है फिगर में, देखिए ये वाला क्रॉस एंड लैप जॉइंट है, ये क्रॉस का है, दोनों मिक्सअप होके क्या बना है हमारा, टी लैप जॉइंट, है ना। ठीक है। उसके बाद बेवल लैप जॉइंट। बेवल लैप जॉइंट में क्या हुआ है, बेवल लैप जॉइंट में आमतौर पर ऐसा जोड़ है, है ना, जिसके द्वारा लकड़ी के टुकड़ों के मध्य निर्मित जोड़ को छुपाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, इन दोनों पार्ट के बीच जो जुड़ा हुआ हिस्सा है उसको क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो लकड़ी जुड़ते हैं वो एक दूसरे से 45 या फिर 135 डिग्री पर जुड़े जाते हैं। ठीक है। दिख रहा है आपको फिगर में कैसा हुआ है, क्रॉस टाइप कैसे काटा हुआ है, देख लीजिए, ये यहाँ पे एक टेढ़ा एक एंगल बना गया, है ना, जो एंगल है वो 45 और 135 के एंगल में है, है ना, और दूसरे का एंड साइड को काट के दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद है लैप रिबेट जॉइंट। लैप रिबेट जॉइंट क्या होता है, है ना, इसमें दो लकड़ी के ब्लॉक को जोड़ने से पूर्व एक रिबेट, है ना, रिबेट बनाया। ठीक है। रिबेट बनाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, ये क्या होता है, ये जोड़ क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है। रिबेट बनाया गया। ठीक है। देखिए दोनों में एक सेम वैसी जुड़ा हुआ है, ये भी एंड लैप जॉइंट का। ठीक है। उसके बाद है हमारा डॉटेड लैप जॉइंट। डॉटेड लैप जॉइंट क्या है, ठीक है, इस जोड़ के मध्य भाग पर एक डॉटेल तथा दूसरे भाग पर भी डॉपेल का खांचा बनाते हैं, ना, एक टेढ़ा। ठीक है। देखिए कैसा खांचा बना है, बाकी में क्या था, सीधा सीधा काटा जाता था, लेकिन इसमें एक क्रॉस टाइप का काटा गया, जिससे क्या होगा, लकड़ी दोनों एक दूसरे में फंस जाएंगे, है ना। ठीक है। इसे, ठीक है, यह जो
टीट जो टाइप का दिखता है, ठीक है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जब हमको खींचेंगे इसको, है ना, ऐसे क्रॉसली खींचेंगे तो वो क्या होगा, नहीं खींचाएगा, लेकिन ऊपर से ठोक के निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसके बाद हमारा और भी ज्वाइंट्स है, बट ज्वाइंट, सेकंड टाइप के ज्वाइंट क्या है, बस बट ज्वाइंट है। इस जोड़ में लकड़ी के ब्लॉक को एक दूसरे के सिरे से अन्य भाग से दूसरे भाग के सिरे के टक्कर रखते हुए जोड़ा जाता है, मतलब एक दूसरे को क्या कराया जाता है, उसके मेल्टिंग मेल्ट कराया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, लकड़ी के तख्तों की चौड़ाई बढ़ाकर विभाजक दीवार आदि बनाने में, है ना, मतलब जो बीच का डोर है या फिर चौड़ाई है ये सब बनाने में किया जाता है, ठीक है। बट जोड़ के प्रकार क्या क्या हैं, सीधा जोड़ है, डर्टेल जोड़ है ना, टांग एंड ग्रू जोड़, माइटर जोड़, बट जोड़, रिबेट जोड़, ये सब क्या है, बट जॉइंट के प्रकार है, ठीक है। अब स्ट्रेट जॉइंट क्या होता है या सीधा जोड़ क्या होता है, ये देखिए फिगर में दिख रहा है, स्ट्रेट जॉइंट दो समांतर ब्लॉकों के सीधे ही एक दूसरे के जो एक दूसरे से जोड़ने पर बट्स जोड़ के सीधे निर्माण होता है ना, ठीक है। ऐसे जोड़ में लकड़ी के दो ब्लॉक एक दूसरे के किनारे, ठीक है, प्लेन में क्या होते हैं, एक दूसरे के प्लेन के समतल फेविकोल से या फिर फेविकोल लगाकर क्या करते हैं, इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दो समांतर ब्लॉकों के मध्य बट जोड़ का जो ये फिगर दिख रहा है आपको, दो समांतर ब्लॉकों के बीच का जोड़ है ना, इसमें क्या है, फिगर वो लगा देते हैं जोड़ने के लिए, क्या लगा देते हैं, फेविकोल लगा देते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ है, आप देखे होंगे जनरली जब दरवाजा या फिर टेबल डेस्क बनाया जाता है तो उसका जो पल्ला है ना, ऊपर का मैट रहता है ना, उसको बनाने के लिए इस टाइप का जोड़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेकेंड टाइप हमारा डॉटल पिन ज्वाइंट, ठीक है। डॉटल पिन ज्वाइंट क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, डॉटल पिन ज्वाइंट है, ठीक है। इसमें कैसा जोड़ा गया है, दोनों मेल्टिंग पार्ट को एक में क्या किया गया है, कील लगाया, पिन लगाया गया है ना, डॉटल पिन, और दूसरे में होल किया गया है। जब दोनों एक दूसरे से मर्ज होंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के जोड़ में क्या होता है, लकड़ी के दो टुकड़ों में डॉटल पिन, है ना, जैसा फिगर में दिख रहा है, ठीक है, डॉटल पिन लगाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, एक में होल लगाया जाता है, दूसरे में पिन रहते हैं, और दोनों को उस होल और पिन को मैच करके उसमें वाइस में दबा देते हैं, ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इन होल्स में डालने के लिए जो यूज होता है वो क्या है, डॉटल पिन है, है ना, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा का क्या है, टंग एंड ग्रूव जोड़, ठीक है। इस जोड़ में क्या होता है, दो समतल के बीच, ठीक, दो समतल टुकड़ों के मजबूती के साथ जोड़ा जाता है, दो समतल टुकड़ों को, ठीक है। दोनों टुकड़ों में ग्रूव्स बने होते हैं, है ना, लाइक अ की, जैसे एक की है ना, एक राउंड सर्कल राउंड में, है ना, जैसे देखे होगे गियर वगैरह में, गियर को जब शॉफ्ट में जोड़ा जाता है तो वहाँ पे जो की यूज़ होता है उसी टाइप का इसमें भी क्या यूज़ होता है, ग्रूव्स बने होते हैं, है ना, ठीक है। या फिर ये की को क्या बोलते हैं हिंदी में, टांग, है ना, ये सब ग्रूव्स टांग जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है, दूसरे में उसी जैसे ग्रूव बना है उसी के स्लॉट काट दिया जाता है, फिर दोनों को मैच कराया जाता है, ठीक है। इस टाइप का यूज़ कहाँ करते हैं, मेज, डेस्क या फिर ड्राइंग बोर्ड या फिर दीवार बनाने में, है ना, इस टाइप के जोड़ सारे क्या है, इन सब में यूज़ होते हैं, ठीक है। दिख रहा है ग्रूव्स कैसे बने हुए हैं, ये देखिए ग्रूव्स बने हुए हैं, इसके बीच ऊपर से होल बना है, वो दोनों आपस में मैच करा रहे हैं उसको, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है माइटर ज्वाइंट। माइटर ज्वाइंट में क्या हो रहा है, एक क्या है 45 डिग्री में कटा हुआ है ना, 45 या 90 डिग्री के कोण में दो लकड़ी के टुकड़ों को, ठीक है, कैसा देख लीजिए फिगर में कैसा काटा गया है ना, ठीक है, काट के उसके बीचों बीच होल बनाया गया है, ठीक है। और दूसरे में उस हिस्से में जहाँ पे एक हिस्से में जहाँ होल है उसके दूसरे हिस्से में उसको रखा गया, ठीक है। इस टांग को खांचों की सहायता से बनाया जाता है, ठीक। इस जोड़ में देख रहे हैं आप फिगर में कैसा दिख रहा है, ठीक है, ये जोड़ क्या है, मजबूत नहीं होती, ठीक है, बाकी जोड़ की तरह ये क्या होता है, मजबूत नहीं होता है। इसमें मजबूत बनाने के लिए लकड़ी में क्या लगाते हैं, पट्टी लगा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बट रिबेट जॉइंट अगला टाइप क्या है, ये देखिए फिगर दिख रहा है ना माइटर जॉइंट का, ठीक है। अब बट रिबेट जॉइंट, बट रिबेट जॉइंट में क्या होता है, इस प्रकार के जोड़ का प्रयोग समकोण या फिर 90 डिग्री का कोण जैसे बनाते हैं ना उसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें एक दूसरे जो
लकड़ी जुड़ रही है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर बना रहे, है ना, ठीक है। एक लकड़ी के ब्लॉक के एक सिरे पर किनारे से रिबेट तथा दूसरे सीने के किनारे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस जोड़ को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तम गुणवत्ता का एधेसिव, है ना, एधेसिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, एधेसिव पदार्थ का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बट रिबेट ज्वाइंट है, फिगर में दिख रहा है, देखो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे ज्वाइंट हो रहे हैं ना, ठीक है। थैंक यू।